अल्लाह हेलो एवरीवन कैसे है आप सब लोग तो इस नए वाले घर से ये हमारा पहला ब्लॉग है और आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि होम टूर दीजिए तो आज मैं होम टूर भी दूंगी आप लोगों को और आप में से ये भी लोगों का बहुत क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे दुबई में रेंट वग़ैरह क्या है अगर दो बच्चों के साथ यहाँ पे सरवाइव करना है तो कितना सैलरी चाहिए तो देखिए जो दुबई का रेंट है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका रेंट होता है एकदम प्रॉपर दुबई में आप रहेंगे तो उसका रेंट ऑब्वियसली हाई हो जाएगा थोड़ा दुबई से आउटकट आप रहेंगे थोड़ा कम हो जाएगा तो इस तरह से डिपेंड करता है फिर भी ना पाँच हज़ार धीरम यानी एक लाख एक लाख बीस हज़ार रुपये आप समझ लो यहाँ पे रेंट है दुबई में ऑन एन एवरेज और बच्चों का फीस होता है फिर आ, एक एवरेज स्कूल में भी आप डालोगे तो हज़ार धीरम तो फीस होगा ही प्लस पाँच सौ धीरम ट्रांसपोर्टेशन का हो जाता है तो फिर ग्रोसरी वगैरह फिर यूटिलिटीज़ होता है मतलब इंटरनेट का ये सब मिला के ना पाँच सौ फिर और एक्स्ट्रा आपका हो जाएगा और यहाँ पर ना मैं कोकोनट वाटर निकाल रही हूँ मैं नॉर्मली निकालती नहीं हूँ हस्बैंड ही निकालते हैं उनको कब से बुला रही हूँ बट वो बिज़ी है तो मुझे लगा मैं ही निकाल लेती हूँ और मैंने देखिए क्या कांड कर दिया निकालते निकालते पानी कितना सारा बाहर आ गया इसलिए मैं खोलती नहीं हूँ एक्चुअली थोड़ा सा छोटा सा खोलना था तो इस तरह से फिर भी पूरा भरा हुआ है पानी इसमें और फिर सेकेंड वाला कोकोनट ना मैंने हस्बैंड से ही खुलवाया और हाँ दुबई के रेंट को लेकर एक और बात याद आई मुझे अगर आपको सच में सही तरीके से ढूंढना है ना घर तो यहाँ पे दो वेबसाइट है जो बहुत अच्छा है एक तो टॉप वेबसाइट जो है वो बायुस है डब्ल्यू और एक प्रॉपर्टी फाइंडर है आप दोनों में जाके ना सर्च कर सकते हो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा कौन सा एरिया में कितना रेंट चल रहा है आप फिर रेंट कंपेयर भी कर सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ से फाइंड कर सकते हो आप चाहे जितना भी वीडियोज़ देख लो यूट्यूब पर एकदम एग्जैक्ट कोई आपको रेंट बता नहीं पाएगा किसी भी एरिया का बट ये दो वेबसाइट पर आप जाओगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर भी लिख दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से फाइंड कर सको आप लोगों को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो तो चलिए मैं आपको ना होम टूर दे देती हूँ सबसे पहले तो दरवाज़ा खुलते ही आपको दिखेगी मिशू <laughs> मैं मज़ाक कर रही हूँ तो सामने इस तरह से ना हॉल वे है दिख सकता है आपको एकदम तो स्ट्रेट पैसेज जा रहा है एक बेडरूम की तरफ और इस तरफ आप घूमोगे तो यहाँ पर एक बेडरूम है बच्चों ने ये बेडरूम लिया है और ये भी काफ़ी बड़ा साइज़ का बेडरूम है और इस तरह का ना ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो ये हमारा है और ये जो फर्नीचर्स वगैरह ऐसे ही दिया गया था फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट हमने लिया है और इस अपार्टमेंट का जो मंथली हम दे रहे हैं वो है फ़ाइव थाउजेंड हिरम्स और विंडो के बाहर आप देखोगे तो आपको बड़े बड़ी जो बिल्डिंग्स दिखाई देगी मतलब दुबई का मतलब ही है टॉल टावर्स एंड टॉल बिल्डिंग्स हर जगह आपको लंबी लंबी मारते और इस तरफ से आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से व्यू है और इस बेडरूम में भी टीवी है और देखिए साइड टेबल वगैरह दिया गया है सामान रखने के लिए ना काफ़ी स्पेस है तो यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है बहुत कुछ रखने के लिए और ड्रेसर वग़ैरह भी है इस बेडरूम में और कबर भी बड़े साइज़ का है आप देख सकते हो काफ़ी चौड़ा है और ये अच्छा है ना कि स्लाइडिंग स्लाइडिंग डोर है इस क्योंकि यहाँ पे ना इतना स्पेस नहीं है दरवाज़ा खोलने के लिए तो इस तरह से सारा कपड़ा यहाँ पे हमने जमा दिया है और इस घर में ना तीन टीवी है हर बेडरूम में टीवी है तो यहाँ पे देखिए टीवी दिया गया है साथ में फुल साइज मिरर भी है यहाँ पर और मिरर के पीछे ना इस तरह से स्पेस बना हुआ है आप कुछ हैंग करना चाहो तो हैंग करो या फिर मेकअप का सामान वगैरह रखना चाहते हो तो यहाँ पे ना आप मेकअप का सामान भी रख सकते हो तो यहाँ पे जगह बना हुआ है तो बच्चों के रूम से बाहर निकलते हैं और बाहर का मैं दिखाती हूँ तो जैसे ही आप बाहर आते हो ना सामने इस तरह से हॉलवे है दो चेयर इस तरह से हमने लगाया है ऊपर मिरर है और ये वाला जो फर्नीचर आप देख रहे हो ये बेडरूम के अंदर था शू रैक के लिए कोई भी जगह नहीं दिया गया था हमें तो हमने ना ये बाहर रख दिया और इस तरफ आप मुड़ोगे तो यहाँ पे लिविंग एरिया है और ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हो ये हमारा प्लांट है हम कनाडा से लेकर आए हैं और ये सोफ़ा है ना ये सोफ़ा बेड बनता है और इस तरफ हस्बैंड ने ना डाइनिंग टेबल को ही अपना ऑफिस टेबल बना लिया है तो यहाँ पे बैठते हैं हस्बैंड और ये लिविंग रूम भी काफ़ी स्पेशियस है और टीवी यूनिट वगैरह दिया गया है टीवी है तो सारा फर्नीचर वगैरह फुली फर्निश्ड है यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है और इस वाले फर्नीचर को ना मैं एज़ अ शू रैक और प्लस मैं बाथरूम ऑर्गेनाइजर जैसा यूज़ करने वाली हूँ तो बहुत सारे आइडियाज़ मैं शेयर करूँगी कि कैसे आप स्पेस को मैक्सीम कर सकते हो और ये जो है ये बाथरूम तो सिंपल सा बाथरूम है और जैसे आप बाथरूम से यहाँ से टर्न लेते हो तो इस तरफ आपको दिखेगा किचन तो यहाँ पे इस तरह से पैसेज है और यहाँ पे ना मैंने तो ऑलरेडी दिखाया है किचन आप लोगों को पूरा ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो दिखाया था आप में से कोई अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना और यहाँ पे है मास्टर बेडरूम तो ये हमारा बेडरूम है और ये सारा फर्नीचर जितना भी आप सजावट देख रहे हो जो भी दिख रहा है ना आपको सब, सब दिया गया है ये भी ना लिविंग रूम में था तो हम यहाँ पर लेकर आए क्योंकि लिविंग रूम बहुत बल्कि लग रहा था इसकी वजह से तो हमने बेडरूम में लगा दिया है और बैलकनी तो मैंने दिखाया था पहले भी आप लोगों को काफ़ी छोटा सा है तो बस हम कपड़े डालने का ही काम लेते हैं बैलकनी से तो ड्रायर हमेशा इस तरह से खुला रहता है यहाँ पे और इस तरह से व्यू है बाहर का और बैलकनी की तरफ खड़े होते हो तो इस तरह से दिखता है बेडरूम और इसमें भी ना काफ़ी बड़े साइज़ का कबर्ड और देखिए ड्रेसर कितना स्पेशियस है काफ़ी मतलब चीज़ें आ जाएगी ड्रेसर में और यहाँ मेकअप करने के लिए चेयर भी दिया गया है तो ये ना पूरा बेडरूम सेट फर्नीचर जो आता है ना मतलब बेड वार्ड्रोप ड्रेसर सब एक जैसा ही है पूरा तो इसलिए अच्छा भी दिख रहा है और इस वार्ड्रोब में मैंने कपड़ा वगैरह जमा दिया है काफ़ी स्पेशियस वार्ड्रोप है सूटकेस वगैरह भी एक साइड में हमने पूरा रख दिया पूरा सूटकेस चला गया अंदर लॉन्ग कपड़ों को मैंने हैंग कर दिया है तो इस तरह से हमारा बेडरूम दिखता है और स्ट्रेट आप यहाँ से जाओगे ना तो सामने आपको जो एक डोर दिख रहा है वो एक्चुअली बाथरूम है छोटा बाथरूम जो होता है ना हाफ बाथरूम जिसे कहते हैं तो इसमें सिर्फ ना सिंक है और कोमोड है बस तो नहाने का मतलब इसमें ऑप्शन नहीं रहता है और जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस जगह को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ तो इसका जो स्पेस है ना मैं बढ़ाने वाली हूँ और ये कैसे बढ़ेगा मैं दिखाऊंगी अभी आपको यहाँ पे देखिए जूता एक के ऊपर एक है मतलब ऊपर देखिए काफ़ी स्पेस है बट ये वेस्ट में जा रहा है तो मुझे लगा ऐसा कुछ करना चाहिए तो मैंने इस तरह से ना टेंशन रॉड्स लगा सारे जूतों को इस तरह से लगा दिया है तो कितना स्पेस यहाँ बढ़ गया तो ये टेंशन रॉड्स होता है क्या मालूम इस तरह से ना इसमें ना ही आपको ड्रिल करना पड़ता है ना आपको मतलब रेंटर फ्रेंडली है कोई आपको होल नहीं करना है कहीं पे भी सिर्फ सिंपली इसको इस तरह से खोल कर आपको एडजस्ट करना है जहाँ पे आपको लगाना है छोटा बड़ा ये हो जाता है और इसका बड़ा साइज़ भी आता है इवन जो कर्टेंस हम हैंग करते हैं ना मतलब शावर कटेंस बाथप के पास तो हम लोग टेंशन डॉट से ही करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ना इसको लगाने वाली हूँ और बहुत आसान है इस तरह से खोलना है आपको आप एडजस्ट कर लो अपने स्पेस के हिसाब से उसके बाद ना एक तरफ आपको लगा के दूसरी तरफ से बस घुमाना है तो कोई भी ड्रिल यहाँ पे नहीं हो रहा है ना कोई अध्यसि हूक है तो इस तरह से ये पकड़ लेता है दोनों साइड से जाके और अच्छे से मजबूती से पकड़ लेता है ऐसा है नहीं कि गिर जाएगा तो एक मैंने ऊपर लगाया और एक नीचे लगाया थोड़ा स्लैंटिंग मुझे अच्छा लगता है शूज़ ऐसे रखने में तो देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया है और शूज़ को यहाँ पे रख देते हैं और अलिना का जो स्कूल का शूज़ है ना काफ़ी हेवी वेट है तो मैं दोनों हेवी वेट आपको रख कर दिखा रही हूँ और बिल्कुल भी नहीं गिरता है ये और नीचे वाले में देखिए कितना स्पेस मिल गया तो यहाँ पर डबल स्पेस हो गया एक ही शेल्फ़ में उसी तरह से मैंने नीचे भी लगा लिया है नीचे भी इस तरह से हम रख देंगे तो कितना अच्छा लग रहा है अभी कितना गंदा लग रहा था पहले देखने में और इस टेंशन रॉड को सिर्फ शूज़ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए नहीं बाकी बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो अगर आप इस तरह से ना टावल वगैरह रखना चाहो तो टावल रख सकते हो इवन वार्ड्रोब में कबड में बड़े बड़े साइज़ के भी टेंशन रॉड्स आते हैं मैंने तो छोटा वाला मंगाया क्योंकि मेरा यहाँ पर छोटा छोटे की ज़रूरत थी तो बड़े बड़े साइज का भी आता है आप वार्ड्रोब में स्पेस क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ भी कर सकते हो तो देखिए इस तरह से और मैं यहाँ पर बास्केट लगा के भी ना कपड़े वगैरह रखना चाहते हो बच्चों का या अपना तो वार्ड्रोब में इस तरह से रख सकते हो मैं छोटा सा डेमो दे रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो और यहाँ देखिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने से स्पेस कितना ब्यूटीफुल लगने लगता है और मेरे पास ना चार ही टेंशन रॉड्स है तो मैंने बीच का यहाँ का जूते का निकाल के साफ़ करके यहाँ पे लगाया था आप लोगों को आइडियाज़ देने के लिए यहाँ पे मेरे पास नहीं है ज़्यादा लगाने के लिए ज़्यादा होता तो मैं श्योर ऐसे ही लगाती बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये लुक बट जैसे कि मैंने कहा मेरे पास है नहीं तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसे रख दूँगी टावल्स वग़ैरह और ये वाला बास्केट मैं यूज़ कर रही हूँ ना साबुन जो एक्स्ट्रा होता है टूथब्रश टूथपेस्ट और जो भी बाथरूम का छोटा मोटा स्टफ होता है वो सब मैं यहाँ पे रख दूँगी और ये हेयर टावल है अलीना का और यहाँ देखिए एक प्लास्टिक का स्टोरेज है तो इसके अंदर ना मैं क्लीनिंग का जितना भी सामान होता है वो सब डाल के रख दूँगी और इसके अंदर ना साथ में मैं एक डस्टिंग के लिए कपड़ा इस तरह से हमेशा रख देती हूँ तो इकट्ठे रहता है जब क्लीनिंग करना होता है तो सामने ही एक साथ सब मिल जाता है और यहाँ ना इसके टॉप शेल्फ़ पे जैसे जगह खाली है तो मैंने यहाँ पे रख दिया है डस्टबिन का बैग और वेट वाइप्स और सब कुछ ऊपर ही है और एक प्लांट भी लगा देंगे तो इसका लुक ही पूरा चेंज हो जाएगा ग्रीनरी ऐड करने से ना वो जगह बहुत फ्रेश लगने लगता है तो इस तरह से एक हैंगिंग प्लांट मैंने लगा दिया है और ये है इसका फाइनल लुक और देखिए ये है ना टूथ ब्रश होल्डर बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया मुझे सिक्स धीरम्स का है डे टू डे से लिया था मैंने और कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप कितना सब महंगा महंगा सामान लाकर घर पे लगाती हो तो जी नहीं सामान तो सस्ता होता है बट दिखता एक्सपेंसिव है वो बात अलग है मैं चीज़ें वैसे ही सिलेक्ट करती हूँ जो दिखने में थोड़ा एक्सपेंसिव लगे बट प्राइस रिजनेबल हो तो यहाँ पर देखिए चार कप्स दिया गया है साथ में और इस तरह से ना अच्छे से स्टिक कर दिया है मैंने तो ना ये परफेक्टली बैठ गया अपनी जगह पर और यहाँ पे ना टूथब्रश होल्ड करने के लिए इस तरह से बना हुआ है हुक तो बहुत सारा हुक से देख सकते हो आप बहुत सारा ब्रश यहाँ पे रख सकते हो और उसके बाद इस तरह से कवर भी कर सकते हो तो और दो ग्लास जो है वो मैं अंदर लगाऊंगी यहाँ पे टूथपेस्ट रखने के लिए आप चाहो तो चारों ग्लास इसके अंदर लगा सकते हो आपकी मर्ज़ी तो मैंने दो इस तरह से लगा दिया है और दो यहाँ पर पे टूथपेस्ट होल्ड करने के लिए लगा दूँगी और ब्रश निकालने के लिए ना आपको ये जो ग्लास है छूने की भी ज़रूरत नहीं है बिना उसे हाथ लगाए इस तरह से ब्रश आप निकाल और रख सकते हो और ये सक्शन बास्केट हम कनाडा से लेकर आए ये हम ना कनाडा के बाथरूम में भी आपने देखा होगा हम यूज़ करते थे और ये कितनी बार भी आप निकालो लगाओ आराम से फिक्स हो जाता है ऐसा नहीं कि एक बार लग गया तो दोबारा लगेगा नहीं इसका सक्शन कप इतना ज़्यादा अच्छा है आ, मतलब अगर आपके बाथरूम में स्टोरेज का प्रॉब्लम है तो ये एक लगा दो दस शैम्पू का बॉटल भी आप इसमें रख दोगे ना फिर भी ये नहीं गिरेगा ये इतना अच्छा ड्यूरेबल है मतलब कितनी बार भी निकालो लगाओ कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी और यहाँ पर ना हुक्स मैं लगा रही हूँ स्क्रबर uh, वग़ैरह हैंग करने के लिए क्योंकि बाथरूम में एक ज़रा भी स्टोरेज नहीं दिया गया है पूरा खाली है बाथरूम तो यहाँ पे इस तरह से ना हैंग कर देंगे क्लिप्स लगा कर और जो ये सोप फोल्डर आप देख रहे हो ना ये सोप फोल्डर भी मैंने आई से लिया था इसके साथ ही तो हमारा बाथरूम भी ऑर्गेनाइज हो गया है यहाँ पर और बाथरूम के बाद ना मैं ड्रेसर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ यहाँ पे और देखिए पहले से इसमें दाग है तो कुछ ऑर्गेनाइजर है मेरे पास वो लगा दूँगी और यहाँ पे मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ताकि जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना मतलब ये हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह बच्चों का छोटा छोटा क्लिप्स होता है रवा बैंड्स होता है वो ना मिलता ही नहीं है टाइम पे मतलब कहीं बाहर जाओ तो घर पे एक भी नहीं मिलेगा चाहे आप जितना भी ख़रीद के घर पर रखो ऐसी हालत हो जाती है तो यहाँ पर मेरा रबर बैंड्स और इस तरफ अलीना का हेयर बैंड्स और कंगी वगैरह भी इस तरह से मैं रख दूँगी और मीशो को ना सन मिलता ही नहीं है बाहर जाते वो तो यहाँ सेट कर देंगे वो ख़ुद से भी निकाल पाएगी तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और ये मेरा मेकअप पाउच है मैं सारा मेकअप ना इस तरह से बैग में रखती हूँ और कहीं जाना भी होता है तो ये बैग उठा लेती हूँ तो काम हो जाता है मेरा तो देखिए सेट हो गया बहुत अच्छे से कितना अच्छा लग रहा है अभी और इस ड्रॉर में मैं सॉक्स ऑर्गेनाइज करूँगी क्योंकि बच्चों का स्कूल भी सब स्टार्ट हो रहा है और सॉक्स को ज़रूरत बहुत पड़ने वाला है और टाइम पे मिलना भी चाहिए तो ये ऑर्गेनाइज़र मैं कनाडा में यूज़ करती थी तो इसे यहाँ पे लगा दूँगी तो बहुत सारा है वैसे मेरे पास बट मैं थोड़ा सा ही लगा रही हूँ इतना में काम चल जाएगा और बाकी का जो स्पेस है कुछ और चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं बाद में तो यहाँ पर सारे बच्चों का जितना भी सॉक्स वगैरह था हैंकी ये सब मैंने यहाँ पर रख दिया है और यहाँ मीशो का कैप और फिलहाल मेरा ट्राईपॉड यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पर ना अलीना स्कूल एडमिशन के लिए जा रही है बहुत परेशानी हो रही थी हमें एडमिशन के लिए फाइनली आज जो हो जाएगा उसका तो यहाँ पे मीशो भी रेडी है जाने के लिए और मीशो बिल्कुल रेडी थी जाने के लिए अलीना के साथ उसके स्कूल बट मेन टाइम में ना इसको पॉटी आ गया तो अलीना को लेट हो रही थी तो मैंने बोला तुम लोग जाओ क्योंकि फिर लेट हो जाता और यहाँ बैठ के मीशो ना माई का ब्लॉग देख रही है You're so, missing my. what are you doing, Ma? We, are hungry, and why are you making this? I mean, chicken pasta. Chicken pasta is yummy, no? No. Why? Because sauce, but, but we need sausage pasta. That's going to taste more yummy. No, mishu

एडमिशन हो गया एडमिशन uh, uh, हो गया फाइनली कितना धुआ कर रहे थे पता घर में बैठ के। हो जा, जा। हो जाए, जाए। परेशान हो गए सारा घंटे कॉम्प्लीमेंट्री दिया स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह सब लेकर शूज सब आ गया और अलीना के एडमिशन को लेकर ना हम इतने परेशान हुए अभी भी मतलब अभी टू वीस हमें टाइम दिया गया एडमिशन तो हो गया बट बोला गया है कि टू वीक्स के अंदर ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर एटिस्टेशन होना चाहिए सब कुछ तो हमने ना एजेंट पकड़ा है यहाँ पे तो अभी कनाडा से हमें काम है वहाँ पे ना जो यू एम्बेसी है वहाँ से जाके एटिस्टेशन वगैरह होगा फिर यहाँ पर मोफा होगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स ये सब तो बहुत बहुत मतलब झमेला हो गया था एडमिशन में

केजी uh, से हम रेड में सर रेड हाउस में ना हाँ. इस बार भी रेड हाउस ले ली चलो अच्छा दो शर्ट लिए अच्छा यहां पे शर्ट्स कपड़ा अच्छा ये अच्छा लग रहा है कलर भी अच्छा लग रहा है ना नहीं नहीं पी का है कैजुअल यूनिफॉर्म है वो कोई कोई तो ये पहनता कोई कोई नॉर्मल फॉर्मल पहनता अच्छा ऐसा भी पहन सकती हो कभी भी कुछ नहीं वो डेज है ये फॉर्मल है फॉर्मल और ये कैजुअल है कैजुअल का पैंट कार्गो पैंट क्रीम कलर का वाह मस्ती कैसे लेकिन वो है नहीं तो तीन वीक हफ्ते में आ रहा हूँ तो उसकी जगह अभी कुछ जगह वो पी का पैंट पहनना पड़ेगा देखो ये दिया वो जैक पी का जैकेट और अब ना अलीना की भी एक नई स्कूल की जर्नी शुरू होने वाली है क्योंकि अभी लास्ट टू इयर्स ना उसका जो पढ़ाई था थोड़ा अलग था मतलब इतना प्रेशर नहीं होता है स्ट्रेस नहीं होता है यूके कनाडा कैनेडा में ना बच्चों पे पढ़ाई का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं डालते वो लोग बट यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाई होती है तो अब थोड़ा सा उसको प्रेशर रहेगा पढ़ाई का टेस्ट का एग्ज़ाम्स का ये सब और यहाँ पर ना मेरे पास बहुत सारा फेक फ्लावर्स है और बहुत मतलब तो प्रिटी है मैंने दुबई से लिया था शीन से चार साल पहले तो अभी इतना सारा ना मैंने अनपैक किया है और इतना सारा है कि चार पांच बुके बन जाएगा और मैं इस तरह से ना फोल्ड करके रखती हूँ देखिए मैं काटती नहीं हूँ उस टाइम बहुत सारे लोग ना काट देते हैं वास के अकॉर्डिंग बट कभी भी आप फोल्ड कर दो तो आप ना छोटा बड़ा किसी भी वास में खोल के अरेंज कर सकते हो उसको और अभी मैं सोच रही हूँ वास तो एक ही है तो कौन सा कैसा मैं अरेंज करूँ इसका अरेंजमेंट फ्लावर का तो इस तरह से देखिए पांच तो मेरे पास लंबा वाला है एक छोटा ऐसा वाला भी है ये भी बहुत प्रीटी है और एक ऐसा है तो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ना मैंने जो स्टेम था लंबा लंबा उसको फोल्ड करके थोड़ा तो छोटा कर दिया ये और भी लंबा हो जाता है मतलब फ्लोर पे भी अगर आप वास लगा के रखो ना तो फ्लोर पे भी ये रह जाएगा इतना लंबा है इसका स्टेम तो बट फिलहाल मैं इस तरह से ना ड्रेसर के ऊपर ही इसको एक बूखे बनाकर रख दूँगी तो पहले मैंने लंबा वाला जो था वो मैंने डाल दिया है और उसके बाद देखिए ऐसे ही अच्छा लग रहा है मतलब कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको सिंपली ऐसा भी रख दो ना तो बहुत खूबसूरत लग रहा है बट मेरे पास फ्लावर है तो मैं यहाँ पे अरेंज कर दूंगी तो इसको भी मैंने आ, फोल्ड कर दिया था ताकि ये ना जस्ट वास के नेक तक आ जाए तभी अच्छा लगेगा उसके ऊपर गया तो अच्छा नहीं दिखेगा देखिए बिल्कुल नेक तक आके बैठ गया है वास के तो कितना प्रिटी लग रहा है तो घर वर्क को सेट करने में ना टाइम थोड़ा लग गया तो होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा यहाँ पे मेरा भूखे रेडी हो गया है तो फिर ठीक है आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपना ख्याल रखे स्टे सेफ बाय टेक केयर लल्ला